फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी क्वीन से राजश्री। आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ जो है एडीएस का है। एडीएस का बनाना पाउडर है ये, एडीएस का बनाना लग्जूरियस पाउडर है ये। मीट में मैट करके इसमें लिखा है और बाद में इधर लिखा है एडीएस 24 आवर स्टेइंग पावर करके लिखा है इधर। मतलब 24 आवर्स तो नहीं चलेगा, मतलब 5 to 6 आवर्स या 7 आवर्स तक भी चल जाएगा अगर विंटर्स अभी अभी के लिए, मतलब ये ज़्यादा देर चल सकता है। मतलब थोड़ा समर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर भी 5 to 6 आवर्स चलेगा तो भी ये अच्छा है करके हम मान के चलेंगे। तो इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह का है, गोल्ड और रेड पैकेजिंग में ये आता है और येलो अंडरटोन में ये पाउडर आता है। तो इसका स्टे मतलब इसका प्राइस इसमें लिखा है 599 करके, पर ये 599 का नहीं है। लोकल मार्केट में भी आप लेने जाओगे तो 200 से 250 तक आपको मिल जाएगा। और मैंने अमेज़न से लिया था तो वहाँ अंडर 150 में ही मुझे मिल गया था। तो मैं आपको चाहिए तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी इसके बारे में बात करेंगे तो इस तरह का इसका पैकेजिंग है और इसमें इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह इधर लिखे हैं, मेंशन किए हैं, इंग्रेडिएंट्स इधर मेंशन किया है। और शेड नंबर है इसका 02, इसका शेड नेम है। और इधर इसका क्वांटिटी मेंशन किया है, ये 20 ग्राम का है। तो इस तरह का इसका पैकेजिंग है और इसका एक्सपायरी डेट इसमें लिखा है, ये 16 में बना था और 21 तक ये चल जाएगा, 21 तक ये चल जाएगा, मतलब 5 ईयर्स का इसका एक्सपायरी है। तो 5 ईयर्स तक ये हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका इनर पैकेजिंग देखेंगे। इनर पैकेजिंग इस तरह से बॉटल शेप में है इसका। तो अभी ये इस तरह का पैकेजिंग है, ऊपर का कैप इसका ब्लैक कलर का इसका कैप आएगा और इधर डॉट दिए गए होंगे, ये पहले पैक होगा, बाद में मैंने इसे निकाला है। तो इससे हम पाउडर अपना डस्ट कर सकते हैं, बाद में ब्रश से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का इसका पैकेजिंग है और इसका टोन येलो टोन है और इसका शेड नेम इधर दिया गया है, नंबर 2 इसका शेड है। शायद इसमें 2 शेड ही है, नंबर 1 और नंबर 2 2 शेड ही है। तो अभी मैं ये टेक्सचर दिखा देती हूँ पाउडर का। अभी मैं अपने फेस पे नहीं लगा रही हूँ, इस तरह से डस्ट करेंगे क्योंकि मैंने अभी मेकअप ट्यूटोरियल बनाया था तो इसका मेकअप बहुत ज़्यादा है अभी मेरे फेस पर। तो मैं आगे आने वाले मेकअप ट्यूटोरियल में ये ज़रूर यूज़ करके आपको बता दूंगी। अभी इस तरह का इसका टोन है, देखिए येलो अंडर टोन में आता है, इस तरीके से ये फेस पर आपको दिखेगा। मतलब ये हाईलाइट करने के लिए, अंडर आइज में आपको कंसीलर सेट करने के लिए बहुत अच्छे ये काम आ जाएगा। और ये आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडर आई में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कुछ टेक्सचर है। तो आपका अगर अंडरटोन येलो है तो स्किन येलो अंडरटोन में है तो आपको ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। मेरा भी थोड़ा येलो अंडरटोन है स्किन, तो इस तरह का ये शेड है। तो हम ये बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब भी हम मेकअप करते वक्त अंडर आइज में और इधर हाइलाइटर जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ बेक करते हैं ना, वहाँ पर ये बेक किया तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ इस तरह का है ये। तो अभी मैंने इसमें डेमो नहीं दिखाया है आपको, मैं डेमो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रिव्यू कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये हम अपने पूरे फेस पर भी फाउंडेशन के बाद फाउंडेशन सेट करने के लिए, कंसीलर सेट करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का एक थोड़ा सा इसमें शीन है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें थोड़ा सा शीन है और कितना इसमें ग्लो, मतलब ग्लो कर रहा है। अभी ये हाथ आप देख सकते हैं, बिल्कुल ग्लो नहीं है। अभी इसमें देखिए थोड़ा सा शीन है। तो इस तरीके से ये पाउडर वर्क करता है। तो 20 ग्राम में आता है, 150 में 20 ग्राम अच्छा है, मतलब कॉम्पैक्ट से भी ये थोड़ा हमें बहुत ज़्यादा ही मिलता है क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये हम यूज़ कर सकते हैं बेकिंग के लिए, या फेस पाउडर की तरह या कॉम्पैक्ट की तरह ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में सारा आपको बता दिया है। तो आपको ये लेना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन पर ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो भी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।